हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बहुत इंतज़ार किया सबने अनिरुद्ध की स्टोरी का, तो आते हैं स्टोरी की तरफ। लास्ट पार्ट में आप सबने सुना जो, अच्छा नहीं, स्टोरी की तरफ क्यों आते हैं पहले ये बताओ। सब लोग कह रहे हो मैंने गलत कर दिया। हाँ, इतनी बेसब्री यार, सुहागरात इन दोनों की है कि आप लोगों की, जरा मुझे ये बता दो किस बात की बेसब्री है इतनी। सुनाने वाले को नहीं है, जिनकी सुहागरात है उनको नहीं है, आप दोनों को बड़ी आप लोगों को बड़ी बेसब्री है। गलत बात, मन तो नहीं कर रहा आगे का सुनाने का। नहीं सुनाऊं? अच्छा चलो ठीक है, सुनाई देते हैं। तो आते हैं आप लोगों की फेवरेट पार्ट, सुहागरात। क्या यार, शब्दों के ना मजे लिया करिए, शब्दों को मन में उतारा करिए, तब उस पल को महसूस कर पाएंगे और जी पाएंगे और मजा आएगा सुनने में। चलिए वक्त ना बर्बाद करते हुए स्टोरी की तरफ आते हैं। और लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अनिका सीरत को एक बटरफ्लाई किस देती है, और उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हुए उसके लबों पे अपने लब रख के और उसे किस करने लगती है अपने स्पर्श से, उसको स्पर्श करने लगती है। अनिका की वो छुआन सीरत के दिल में एक आग जला रही थी। सीरत तड़प रही थी, बेचैन हो रही थी उसको पाने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए। और हमारी अनिका उतने ही मजे ले रही थी, उतना ही उनसे धीरे धीरे मुखातिब हो रही थी। जब उसके होठों पे अनिका अपने होठ लेती है और किस करने लगती है, तो सीरत बहुत ही टाइटली उसकी पूरी बॉडी को पकड़ती है और उसको टर्न कर देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। सीरत अनिका के ऊपर होती हैं और अनिका भी उन्हें बिल्कुल नहीं रोकती हैं, वो सीरत को ये सब करने देती हैं। फिर धीरे से सीरत उसके लोअर लिप्स को, नीचे को, होठों को धीरे से अपने होठों में दबाती है और उसकी तरफ देखती है, तो देखती है कि अनिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। और सीरत पूरे एक्साइटमेंट के साथ उसे किस करने लगती है। काफी देर तक उसी सोफे पे लेटे लेटे किस करते करते सीरत उसको अपनी बाहों में उठाती है और किस करते करते बेड पे आती है और धीरे से बेड पे बैठती है। सीरत को, अनिका को अपनी गोद में ही बैठाती है और धीरे धीरे उसके बालों का गजरा खुलने लगती है। उसके जो बालों का गजरा होता है उससे इतनी भीनी भीनी खुशबू आ रही होती है, पूरा कमरा उस मोगरे की खुशबू से महकने लगता है। दिलों के जज्बात भी उस खुशबू को, खुशबू के साथ महकने लगते हैं। एक अलग ही माहौल कमरे में बन रहा होता है, दोनों की मोहब्बत की रोशनी से पूरा कमरा जगमगा रहा होता है। धीरे धीरे उसके गजरे को निकालने के बाद उसके बालों को खोलती है, वो खुली हुई जुल्फें जब
अनिका के फेस पे आती है तो सीरत उसको देखती रह जाती है। उसको किस करना बंद कर उसको देखने लगती है। अनिका उसकी गर्दन में हाथ डालती है और उसे अपनी साइड खींचती है और दोबारा उसके होठों पे अपने होठ रख देती है और पूरी एक्साइटमेंट के साथ उसको किस करने लगती है। जैसे किसी प्यासे को पानी मिल गया हो बहुत खोजने के बाद। जैसे शांत पड़ी लहरों में एकदम से भूचाल आया हो। ये मोहब्बत जो थी ये मौजों की रवानी बन रही थी। ये लहरें अपने उफान पे थी। निका बहुत ही बेदर्दी से उसके होठों को किस करने लगती है। सीरत उसको पूरा सपोर्ट कर रही होती है, उसे बिल्कुल नहीं रोक रही होती है। आग दोनों तरफ बराबर की होती है। दिल जले दिल जले, ये दिल जले दोबारा मिल रहे थे। इनके दिल में दोबारा मोहब्बत का दिया जल रहा था। धीरे धीरे सीरत अनिका के कानों से उसके झुमके निकालने लगती है एक एक करके। उफ क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है। डम डम डिगा 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 डम डम डिगा डिगा हाय। और उसके कानों के झुमके निकालने के बाद उसकी माथों की बेंदी, उसके माथे की बेंदी हटाती है और उसके फॉरहेड पे किस करती है। फिर उसकी आंखों पे किस करती है। धीरे धीरे उसके दोनों चीक्स पे किस करती है। उसके चिन पे किस करती है। और जैसे जैसे वो किस कर रही होती है उसको पीछे हटा के, वैसे वैसे अनिका की क्रिप सीरत के ऊपर और टाइट हो रही होती है। अनिका की बॉडी शेयर कर रही होती है उस टाइम पे बहुत ज्यादा। तो सीरत धीरे से उसके नेक का जो नेकलेस होता है वो उतारती है और उसके नेक पे किस करती है। फिर धीरे धीरे मंगलसूत्र भी उतारती है। तो अनिका उसका हाथ पकड़ती है तो सीरत कहती है मैं सामने हूँ, फिर किस बात का डर है आपको, मैं हूँ ना आपके साथ। ये अड़चन पैदा करेगा, आज हमारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं, कोई शय भी नहीं। तो अनिका अपना हाथ हटा लेती है। सीरत धीरे से उसके नेक से वो मंगलसूत्र निकालती है और उसके नेक पे किस करने लगती है। जो उसके नेक पे किस कर रही होती है तो अनिका उसको जोर से टाइटली पकड़ लेती है, बहुत टाइटली। हाय, कितना कुछ सहने के बाद आज ये रात इन्हें मिली है ना। वो दो लाइन याद आ रही है यार उस गाने की, मिल ही गई वो खुशी थी जो हमारे भाग की, अग्नि परीक्षा दे के पाई रात ये सुहाग की, है ना। सुन से उसके बाद धीरे धीरे उसकी नेक से किस करते हुए उसके सर से वो चुनरी हटाती है। चुनरी हटाने के बाद
अनिका ऐसे शर्माती है जैसे पहली बार सब कुछ हो रहा हो। शायद ये रात ही ऐसी होती है कि कितना भी इंसान एक दूसरे को जानता हो लेकिन सब कुछ नया नया लगता है, सब कुछ नया नया लगता है। और वो शर्मा जाती है, वो चुनरी हटाती है सीरत उसके सर से, साइड में रख देती है। उसके बाद धीरे धीरे उसके ब्लाउज का हुक खोलती है, उसके जिस्म से उसके लिबास को अलग करने लगती है। अलग करते हुए अपने मोहब्बत की उसके जिस्म पे छाप छोड़ रही होती है ना। फिर दो लाइनें याद आ रही हैं यार, ढल रही पिघल रही ये रात धीरे धीरे, बढ़ रही है प्यार की बात धीरे धीरे, है ना। और जैसे ही अनिका और टाइटली पकड़ती है और उसकी वो चूड़ियों की खनखनाहट, है चूड़ियां गुनगुना के क्या कहें सजना, ये चूड़ियां गुनगुना के क्या कहें सजना, रात की रात जगाऊं मुझे हक है। उफ, ये रात मेरी तो दोनों के लिए यही दुआ है कि जिंदगी भर इनका साथ ऐसे ही रहे। और सिरा धीरे धीरे अनिका के जिस्म से उसके लिबास को बिल्कुल अलग कर देती है और अपने मोहब्बत की चादर से उसके जिस्म को पूरी तरह ढक लेती है। अनिका के आंखों में वो जो शर्म, वो जो हया उतर के आई थी, उसके चेहरे पे वो शर्म की लाली, उफ, उसकी खूबसूरती में मतलब चार चांद लग गए थे। वो हल्की हल्की चांद की रोशनी जो उनके कमरे के रोशनदान से झांक रही थी और सीधे अनिका के फेस पे पड़ रही थी, अनिका का चेहरा और खिल उठा था। उसकी खूबसूरती देख के सीरत का दिल ऐसा लगता है उसका सीने से बाहर आ जाएगा और वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती और सीरत को बेड पर लिटाती है और उसके अनिका को बेड पर लिटाती है और उसके ऊपर आ जाती है। अनिका धीरे धीरे उसकी टी शर्ट निकालती है और उसे जोर से किस कर लेती है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और एक दूसरे के जिस्म को अपने हाथों से तराश रहे होते हैं। दोनों के दिलों में जो मोहब्बत रूपी लहर उछाल मार रही थी वो पूरे उफान पे थी। उफ, ये मोहब्बत। दोनों एक दूसरे को किस करते हुए एक दूसरे के जिस्म को अपनी मोहब्बत से भिगो देते हैं, अपने मोहब्बत की बारिश एक दूसरे के ऊपर करते हैं। एक दूसरे के दिल में जितनी मोहब्बत होती है सब आज के दिन पूरी की पूरी मोहब्बत एक दूसरे के ऊपर डाल दी जाती है। सीरत अनिका को अपने ऊपर करती है और उसे किस करती है। अनिका धीरे धीरे उसके नेक पे किस करते हुए उसके पूरे जिस्म को अपनी मोहब्बत से, आज तो वर्ड्स भी नहीं मिल रहे, पूरे जिस्म के साथ अपनी मोहब्बत को एक नया नाम दे रही थी।
वो सीरत को दिखा रही थी कि वो उसे कितनी मोहब्बत करती है। तभी सीरत अनिका को पकड़ती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है और उसे किस करने लगती है, वाइल्डली किस करती है, उसके नेक पे किस करती है, उसके गुलाबों की पंखुड़ियों जैसे मुलायम मुलायम होंठ उनको छूते हुए, वो बर्फ से ठंडा उसका जिस्म, लेकिन जिस्म के अंदर की गर्मी, वो ठंड और गर्मी का जो मिश्रण था वो सीरत के दिल में और आग जला रहा था। और सीरत अपने अंदर की सारी मोहब्बत अनिका को किस करते हुए उनके ऊपर छाप छोड़ रही थी, जिस्म के हर एक जर्रे जर्रे पे अपने प्यार का एहसास करवाते हुए अनिका को अपने साथ एक दूसरी दुनिया में लेके जा रही थी। अनिका का जिस्म उसका साथ छोड़ने लगता है, वो बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगती है। सीरत उसकी ये तड़प देख के और एक्साइटेड हो जाती है और उसे किस करने लगती है। तो अनिका के नेल्स सीरत के जिस्म पे उसके मोहब्बत की निशानी छोड़ रहे होते हैं। अनिका उस मोमेंट को फुली एंजॉय कर रही होती है। आज दो जिस्म पूरी तरह एक जान बन रहे थे, आज सिर्फ दो जिस्मों का नहीं दो आत्माओं का मिलन हो रहा था। और ये एक ऐसा मिलन था जो छुड़ाए नहीं छूट सकता था, तोड़ने से टूट नहीं सकता था। एक ऐसा मिलन दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं और उनकी मोहब्बत की जो लहरें उठ रही होती हैं वो साहिल से टकरा के और शांत हो जाती हैं। दोनों अपने मोहब्बत के अंजाम को पा लेते हैं, अपने मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचा देते हैं और थक हार के एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं। अनिका सीरत की तरफ देखती है बड़े प्यार से और उसके होठों पे फिर से किस करने लगती है। सीरत कहती है, क्या हो गया, क्या हो गया भैया आज तुमको? हाँ, तो अनिका कहती है, ये रात हमारे मुकद्दर में बहुत मुद्दतों के बाद आई है। ये कुछ दिन ऐसा लग रहा था कई अरसे बीत गए हैं, तो आज कोई बात नहीं, सिर्फ प्यार और सिर्फ प्यार। और एक बार फिर इनके मोहब्बत परवान चढ़ने लगती है, चांद की चांदनी धीमी पड़ने लगती है, लेकिन इनकी मोहब्बत की रोशनी उतनी ही तेज होती जाती है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, एक दूसरे की सांसों को एक दूसरे के अंदर महसूस कर रहे होते हैं, एक दूसरे के हाथ एक दूसरे के जिस्म का जायजा ले रहे होते हैं, जिस्म के कोने कोने को तराश रहे होते हैं, अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ रहे होते हैं। सीरत किस करते करते उसकी कमर पे आती है और उसकी कमर के मोड़ में खो जाती है, जैसे ही सीरत अनिका की कमर पे किस करती है, अनिका के नेल सीरत के बैक को चीरते हुए जाते हैं और सीरत के मुंह से सिर्फ उफ इतनी आवाज निकलती है।
बहुत देर तक एक दूसरे को किस करते हुए, अपने प्यार की बौछार करते हुए, फाइनली जिस्म तक, जिस्म के सहारे रूह तक पहुंच जाते हैं। सिर्फ जिस्म ही नहीं, रूह को भी मोहब्बत का एहसास हो जाता है और तब दोनों को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। कहते हैं ना कि मोहब्बत में रूह तक पहुंचने का सहारा कभी कभी जिस्म बन जाता है। हर वक्त तो नहीं, लेकिन जब मोहब्बत में इस हद तक हो तो अक्सर रूह तक पहुंचने का सहारा जिस्म बन जाता है। तो आज उस जिस्म से रूह तक पहुंच गए थे ये दोनों। बहुत तो पहले भी गए थे, लेकिन आज की रात कुछ खास थी। अनिका सीरत से कहती है, आज ऐसा लग रहा है मैं वाकई तुम्हारी हो गई हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। अब मुझे तुमसे कभी कोई जुदा नहीं कर सकता, कभी भी, कोई भी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूँगी, सिर्फ तुम्हारी। सीरत, आई लव यू सो मच। तभी सीरत रूम की लाइट जला देती है और अनिका को बहुत प्यार से देखने लगती है। अनिका का जिस, उसकी खूबसूरती और अनिका को उसकी बाहों में होना, ऐसा लग रहा था सीरत को अपनी ज़िंदगी मिल गई है, उसे ज़िंदगी में कुछ और चाहिए ही नहीं। सीरत जिस तरह से अनिका को देख रही होती है, अनिका फटाफट वहाँ की चादर खींच के अपने ऊपर डालने की कोशिश करती है, लेकिन सीरत उसे रोक देती है, कहती है क्या हुआ। अनिका कहती है, यार शर्म आ रही है बेबी। तो सीरत कहती है, अच्छा ठीक है, तो चादर की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, मुझसे ढक लो खुद को। और ये कह के सीरत अनिका के ऊपर आ जाती है और खुद उसका चादर बन जाती है। और अनिका के जिस्म को अपने मोहब्बत से ढक देती है और दोनों एक दूसरे को देखते देखते एक दूसरे की आगोश में होते हुए नींद की आगोश में कब चले जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता, दोनों सो जाते हैं। तो इसी के साथ अब हम भी सो जाते हैं। कुछ कमी हो गई हो रोमांस में आप लोगों तक, अगर कोई चीज़ पहुंच ना पाई हो, तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि ये जो पार्ट है शादी का, सुहागरात का, ये कई लोगों की यादों को ताज़ा कर गया होगा। तो इन्जॉय एंड हैव अ ग्रेट नाइट, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना ख्याल रखें।